अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश, जिसे डम्पलिंग भी कहते हैं और अरबी में उसे लुकीमत कहते हैं। ये अरबी स्वीट है, तो चलें इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए 1 कप मैदा, 1 टेबल स्पून ईस्ट, खमीर, 1 टीस्पून हमें वनीला पाउडर चाहिए। वनीला एसेंस नहीं है तो वनीला पाउडर डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर एंड 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर। और ये हमारा 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, चॉकलेट सिरप लिया है हमने या गुड़ का सिरप, ये हमने गुड़ का सिरप लिया है। तो ये दोनों चीज़ें आप डाल सकते हैं। तो चले हम चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ। कि टोटल हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लिए हैं, हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लिए हैं, उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसके अंदर 1 कप ही पानी शामिल करेंगे, इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे। तो ये जो हमारा 1 टेबल स्पून ऑयल था, ये भी हम शामिल कर लेंगे इसके अंदर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर 1 कप गरम, यानी थोड़ा सा नीम गरम पानी ऐड करेंगे। देखिए हम इसके अंदर पानी हमने आधा डाल दिया है, ये आधा हमारा कप और पानी चला गया। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको एक बैटर सा तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। बैटर की ये देखिए, इस तरह का बैटर हमें रेडी करना है, ना हमारा पतला है और ना हमारा गाढ़ा बैटर है। और क्योंकि इसके अंदर ईस्ट भी गया हुआ है तो ये थोड़ा फूलेगा भी, तो इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हमने जो इसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया है, वो आपका कप कितना बड़ा है कितना छोटा है, क्योंकि हमारा तो ये दरमियाना ही कप था, तो हमने इसका 1 कप पानी लिया था। लेकिन हमें जब इसको रेडी करना है, बैटर को जो ईस्ट थिकनेस पे लेकर आना है, तो हम पानी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करके करके ज़्यादा ना डाल हो रही हूँ जाए। थोड़ा। अब हम इस बैटर को 20 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। जब ये फूल जाएगा तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। चलें फिर हम इसको रखते हैं बैटर को किसी गर्म जगह पर अच्छा खासा। हम ये शॉपर हटा देते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा, एक दफा हमने इसको चला के वापस एक जगह कर लिया। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और उसको फ्राई पानी की करते मत हैं। फ्राई हो रहे हैं। इसको बनाने का आसान तरीका है कि एक जैसे गोल गोल बने, उसका आसान तरीका यही है कि आप सबसे पहले पानी में हाथ डिप करें, फिर उसके बाद आप बैटर उठाएं। ये इस तरह आपका बैटर चिपकेगा नहीं, और डायरेक्ट आप जब इसमें डालेंगे तो ये गोल गोल सा जाएगा। और ये देखें हमारे सारे बहुत ही धीमी आंच में फ्राई हो रहे हैं और खुद ब खुद ऊपर आ रहे हैं। जब ये सारे खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे तो फिर हम इसको तेज़ आंच करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें हमारे डम्पलिंग फ्राई हो गए हैं। बस अब इनको हम ऐसे ही चलाते जाएंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। ये देखें तकरीबन सारे ही हो गए। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें मज़ेदार से हमारे डम्पलिंग रेडी हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर सिरप डालेंगे।
ये गुड़ का सिरप है, आप चाहें तो चीनी का भी शीरा बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आप चाहें तो इसके ऊपर कुमेल भी डाल सकते हैं। हमने थोड़ा गुड़ का सिरप और थोड़ा सा कुमेल डाला है। हमारे मज़ेदार से डम्पलिंग बन के तैयार हो गए हैं। हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुमेल डाला है ऊपर से, और हमने 2 टेबल स्पून के करीब गुड़ का सिरप डाला है। और ये मज़ेदार से डम्पलिंग लुकी मत बन के रेडी हो गए हैं। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करेगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत आसान है। और इसके लिए इसके बैटर का अच्छे से फूलना ज़रूरी है, तो बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसका बैटर अच्छे से फूल जाए। और प्लीज़ अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।